प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मिठाइयों से हम भारतीयों का गहरा नाता है। जब भी हमारे देश में किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है या फिर जश्न का माहौल होता है तो मिठाइयों का डब्बा सबसे पहले खुलता है, और अगर जश्न खास हो तो मिठाइयों के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी लाजमी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर बाजारों में मिठाइयों की मिठास हमारी इस रिपोर्ट में। त्योहारों के मौके पर सजी बाजार, जश्न आज़ादी में डूबे लोग, मिठाइयों में दिखी आजादी की झलक, 10 तरह की तिरंगा मिठाइयां बनी आकर्षण। मिठाइयों ने कराया एकता अखंडता का एहसास, देश भर में आजादी की धूम, आजादी के रंगों में डूबे देशवासी, हर तरफ लहराते तिरंगे और तिरंगों में छिपी स्वतंत्र भारत की सबकी अपनी कहानी। ये साल हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि इस साल हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको लेकर बाजारों से लेकर लोगों के घरों तक रौनक देखने को मिल रही है, और अब आजादी के रंगों में मिठाइयां भी डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक दुकान पर 10 तरह की तिरंगा मिठाई बनाई गई, जिसे ग्राहकों को इस दुकान की तरफ आकर्षित किया। नारंगी, सफेद और हरा, ये ना तो कोई खिलौना है और ना ही कोई शोपीस। ये तिरंगा घेवर, तिरंगा पेठा, तिरंगा लड्डू, तिरंगा बर्फी और सोने की चिड़िया है, जिसको देखकर किसी का भी मन लालची हो जाएगा। स्वाद और तिरंगा के रंगों में डूबी ये मिठाइयाँ हमारे देश की खुशी का प्रतीक है। ये मिठाइयाँ ही नहीं बल्कि भारत के नागरिकों की खुशी जाहिर करने का तरीका है और प्यार और एकता को बांटने की कोशिश है। ये दुकान कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र स्थित छप्पन भोग मिठाई की दुकान की है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को खास और स्वादिष्ट बनाने के लिए करी गई अनोखी पहल। तिरंगे के इतने प्रकार की मिठाइयां पहली बार देखने को मिली, जबकि दुकान में मिठाई लेने आए ग्राहकों के लिए ये तिरंगा मिठाइयाँ एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सारा देश ही मना रहा है अमृत महोत्सव, और हम बहुत ज़्यादा इसको लेके उत्साहित हैं। हमारा मन है कि हम अपने भाई को अब की बारी ट्राइकलर में ही भेजें और अपने घर को खूब अच्छा ट्राइकलर से सजाएं। हमारे भाई, हमारे भतीजे सब बाहर रहते हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, तो हम सब इसी कलर की मिठाइयाँ और राखियाँ भेज रहे हैं उन सबको कि वो लोग भी बाहर रह के खूब अपने देश से जुड़ जाएं। राखियाँ भी हम वैसे ही भेजेंगे और मिठाइयाँ भी बिल्कुल ट्राई कलर की भेजेंगे, ताकि वो उनको भी जो यादें हैं अपने देश की, तो वो उससे जुड़ के वो भी खुश हों इस टाइम पे। हमारे जीवन काल में हम 71 ईयर्स के हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरे जीवन काल में हो रहा है, और पता नहीं है कि 25 वर्ष बाद जब हमारी शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा हम हो या ना हो। और हम चूंकि इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और ये छप्पन भोग जो है हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का मिठाई के मामले में सर्वोपरि है, ये USP है यहाँ का। और ये तिरंगे की मिठाइयाँ देख करके और अभी से लग रहा है कि आज़ादी का उत्सव जो है चालू है, और उसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं और मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि हर तरीके से जितना हम खुशी से इस त्यौहार को मना सकें। ये राष्ट्रीय पर्व है और इसमें छप्पन भोग का और इन मिठाइयों का, रंग बिरंगी तिरंगी मिठाइयों का कितना योगदान है, इससे सभी लोग जो भी यहाँ आ रहे हैं सब उत्साहित हो रहे हैं, हम भी उत्साहित हैं। मैं अभी जानकीपुरम में रहता हूँ और वहाँ से करीब यह 15 किलोमीटर दूर मैं इसीलिए आया हूँ कि यहाँ की मिठाइयाँ जो तिरंगी हैं, ये मेरे रिश्तेदार जो कि महाराष्ट्र में, पुणे में हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, और कुछ मिठाई मैं अपने बेटे के पास लंदन भी भेजूँगा, तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इन रंगी बिरंगी मिठाइयों के मार्फत संदेश भी जाए और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी सब जगह मनाया जाए खुशियों से,
हम सब लोग अपने इस महोत्सव को मनाएं। छप्पन भोग में तिरंगा मिठाई खरीदने आए हुए ग्राहकों का मानना है कि यह मिठाई उनके आकर्षण का केंद्र तो बनी, मगर इस मिठाई से उन्हें भारतीयों की एकता का एहसास भी महसूस हुआ, क्योंकि मिठाइयों पर तिरंगा रंग अपने आप में ही भारत की अखंडता और एकता को बयान करता है। वहीं दूसरी ओर दुकान के मालिक रविंद्र गुप्ता का कहना है कि उनकी दुकान तिरंगा मिठाइयों के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, क्योंकि तिरंगे का रंग सर्वप्रिय और सर्वोत्तम है। देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पे जहां पूरा देश इसकी तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से लोगों को आह्वान किया गया है कि लोग इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएं, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से 13 से 15 अगस्त तक हर घर झंडा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश और अगर देश की बात करें तो 20 करोड़ से ऊपर झंडे लगाने की बात कही गई है। वहीं अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर अब कन्याकुमारी तक इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए पूरा उत्साहित है, और इसी क्रम में हम मौजूद हैं 56 भोग पे, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 56 भोग के द्वारा तमाम मिठाइयों को तिरंगे के थीम में बनाया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें उसको ये मिठाई की दुकान में जो मिठाइयाँ बनाई गई हैं इसके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक अपनी भागीदारी दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मिठाई बनाई गई है, घेवर बनाए गए हैं, नमकीन से बने भी आइटम हैं, और इसी क्रम में हमारे साथ इस दुकान के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका प्राइम टीवी में स्वागत, और हमें ये बताएं सर कि यहाँ तमाम मिठाइयाँ बनाई गई हैं, इसको इसका रिस्पांस क्या है और कस्टमर्स क्या इस पर रिस्पांस दे रहे हैं, बिकने की अगर बात की जाए तो उसका रफ्तार क्या है? पहले तो मैं सारे भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अब डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने भारत की। किस तरीके से हम लोग जो है एक स्टेज में थे जहाँ सोनी चिड़िया थी, किस तरीके से हम लोग को जो है बहुत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग उठे और आज ऐसे उठे हैं कि जो पूरी दुनिया हम लोग को मानती है। फिर से वो विश्व गुरु का जो एक स्टेटस था हम लोग का, जो छिना गया था, फिर से हम लोग को विश्व गुरु माना जा रहा है, तो बहुत गर्व की बात है। और इसी चीज़ को दर्शाते हुए, इसी एक भाव को रखते हुए हम लोग ने अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है अब हर भारतवासी को मिठाई के द्वारा। मिठाई बहुत टाइम से चली आ रही है भारत में, हमारे पुराणों के में भी देखा जाए एक एंसेस्ट्रल चीज़ रही है, तो उसी तरीके से हम लोग ने एक एक्शन लिया कि हाँ कि किस तरीके से हम लोग अपने द्वारा एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं मिठाइयों के हर भारतवासी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एक्चुअली। हालांकि लोगों को देख के उनका वो मन भौचक्का हो जा रहे हैं कि हाँ अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब कि देख के उनके एक आई कैची होती है ना कि वार्म फीलिंग आती है कि कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि उनका पसंद आना भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ग्राहक को हमेशा खुश करना चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो आइडिया आया ये कहाँ से आया, और लोग पूरा देश अलग अलग तरीकों से आज़ादी के जो 75वें वर्षगांठ है उसको मना रहा है, अब 56 भोग के आपका जो ये ब्रांच है इस पर आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि इन मिठाइयों को बनाया जाए, और बात की जाए तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं और इसके बारे में कुछ बताएं? जी एक्चुअली इसका आइडिया हम एक हफ्ता पहले से ही आ गया था हम लोग, मतलब कि आज ही कि जो है हम लोग कुछ नया करना है, क्योंकि डायमंड जुबली है और बहुत बड़ा अवसर है, और मतलब कि तो उसी को लेते हुए हम लोग सोचा कि कुछ नया ऐसा करते हैं जिसको लेके चीज़ों को आप मतलब कि लोगों को मतलब कि वही एक अपनी एक फीलिंग पहुँचाए लोगों को। तो हमारे जो मेन ओनर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लग हमारे जो सीनियर स्टाफ है उनसे बातचीत की कि क्या कर सकते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुए और देखा कि हम लोग किस तरीके से एक वो बेस्ट से बेस्ट दिखा सकते हैं अपने अलग के ग्राहकों को और पूरे देशवासियों को भी। और हमारे एक कहीं ना कहीं भाव ये भी जुड़ा था कि लखनऊ का भी बहुत बड़ा एसेंस रहा है इंडिया की इंडिपेंडेंस वॉर में हो चाहे किसी तरीके से हो, तो अपने लखनऊ सिटी को भी और पूरे दुनिया भर के भी जो इंडियंस हैं अपनी मिठाई से कहीं ना कहीं जोड़ने का एक नाता रखें, तो उसी को हमने डिस्कशन करके वही हम लोग ने सोचा। और तो आप जैसे देख सकते हैं कि कई सारी मिठाइयां हम लोग रखी हैं, मेरी फेवरेट सबसे ज़्यादा सोने की चिड़िया है, क्योंकि हमारे कहा जाता है हम लोग बचपन सुना है जिस डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
तो ये इस गाने को भी, तो उस प्राउड फीलिंग को भी दिखाने की कोशिश की है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था और कितना आगे था और आज भी है। वही अगर बात की जाए तो इसमें तमाम फ्लेवर जो रंग डालने के लिए फ्लेवर्स परे हैं, तो इसकी बात की जाए तो आमतौर पर लोग फ्लेवर्स और रंगों से परहेज करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि से लोग जो है ऑर्गेनिक, बट हम लोग का मैं हम लोग एक्चुअली वो कलर्स अगर यूज़ कर रहे हैं जो पहली बार एफसीआई के द्वारा मतलब कि ट्रेडमार्क्ड है कि हाँ आप यूज़ कर रहे हैं, और जो वो क्वांटिटी बोलते हैं उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं। एंड ऊपर से ऐसे कि ऑरेंज भी है तो हम लोग केसर के साथ मिक्सचर हल्का सा करा है, ये नहीं किया है कि पूरा डाल दे, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग की जितनी नेचुरलनेस इज द बेस्ट टेस्ट। जो मानक है एफएसएसआई का उसको ध्यान देते हुए पूरी मिठाइयों का निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो अब तक आप लगभग इसको बनाए हुए कई दिन हो रहे होंगे, तो अब तक क्या रिस्पॉन्स रहा है, कस्टमर्स को देख के क्या लग रहा है? जी, कस्टमर्स को एक्चुअली देख के काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं आपको ऐसे पहले मेंशन किया था कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये चॉकलेट्स बेकरीज वगैरह में कहीं ना कहीं देखा है कि हाँ लोग कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मिठाई के हमारे कहीं ना कहीं वो देखा कि अपलिफ्टमेंट हो रही है कि हाँ हमारे भारत से संस्कृति जो चीज़ एक जुड़ी है, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, उसको एक नए फॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लोग को लगी है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो हम इस वक्त 56 भोग पे थे, जहां आपने देखा कि मिठाइयों के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें मिठाइयों को ट्राई कलर में रंग कर और ये अपनी भागीदारी दे रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। आम नजरिए से ये लोगों को भले ही मिठाई लगे, लेकिन इस मिठाई के जरिए भारत की एकता और अखंडता का पता लग चलता है और लोगों के प्रति भारत के प्यार को बखूबी दर्शाता है। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।